नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती और कक्षा 9वीं व 10वीं की पाठ्यक्रम संबंधित जानकारी और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ मार्किंग स्कीम। कक्षा 10वीं विषय हिंदी ब, इसका कोर्स का कोड है 085, टर्म 1, 2021-22। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपका क्वेश्चन पेपर आएगा 50 मार्क्स का। टर्म वन है आपका 50 मार्क्स का। क्वेश्चन पेपर आएगा आपका 40 मार्क्स का और बाकी के 10 मार्क्स आपके रहेंगे इंटरनल असेसमेंट के। तो पहले हम 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर क्या आने वाला है वो देखते हैं। आपका क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन क, सेक्शन ख और सेक्शन ग। तो क में आपका क्या आने वाला है वो देखिए। क में आपका आने वाला है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश आपका होएगा 10 मार्क्स का। अपठित गद्यांश में आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे। पहले क्वेश्चन में 2 गद्यांश रहेंगे, फिर दूसरे क्वेश्चन में 2 गद्यांश रहेंगे। पहले क्वेश्चन में से आपको 1 गद्यांश चुनना होएगा, इट कैरीज 5 मार्क्स। फिर दूसरे क्वेश्चन में आपको वापस से 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, उसमें से भी आपको 1 गद्यांश चुनना पड़ेगा, इसके भी आपके 5 मार्क्स होंगे। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको देने को तो 4 गद्यांश दिए जाएंगे, लेकिन उसमें से आपको 2 गद्यांश तो लिखने होंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन के 2 गद्यांश में से आपको चुनना होएगा 1 गद्यांश, फिर दूसरे क्वेश्चन में से आपको चुनना होएगा 1 गद्यांश। ऐसे आपका इंटरनल चॉइस है। तो ये हो गया आपका 10 मार्क्स का। ये अनसीन अपठित गद्यांश यानी कि अनसीन पैसेज रहेगा। इसमें से आपको बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि सारे के सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके MCQ रहेंगे। ठीक है, तो फिर चलो बढ़ते हैं हम खंड ख की ओर। खंड ख है आपका व्याकरण। व्याकरण का आपके है 16 मार्क्स और आपको पूछे जाएंगे हर अंश में से 4, 4, 4, 4, है ना। ऐसे करके आपको कुल मिलाकर आपके 16 मार्क्स व्याकरण के बन रहे हैं। तो इसमें से आपको व्याकरण में कैसे दिए जाएंगे क्वेश्चंस, तो देखते हैं। पहला आएगा आपको पदबंध। पदबंध में 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको करने होंगे 4 और उसके मार्क्स है 4। यानी आपको यहाँ पर इंटरनल चॉइस है, 5 क्वेश्चंस में से आपको करने होंगे 4। फिर दूसरा क्वेश्चन है रचना के आधार पर वाक्यों का रूपांतरण। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको करने हुए 4 और इसके भी मार्क्स है 4। फिर थर्ड क्वेश्चन में आपका आएगा समास। इसमें से भी 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन आपको करने होंगे 4 और इसके होंगे 4 मार्क्स। फोर्थ क्वेश्चन आपका आएगा मुहावरे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर सिर्फ 4 क्वेश्चंस ही रहेंगे और आपको करने हैं सारे के सारे 4 क्वेश्चंस और इसके मार्क्स होंगे 4। तो ऐसे 4, 4, 4, 4 मिलाकर कुल मिलाकर आपका व्याकरण हो जाएगा 16 मार्क्स का, 16 मार्क का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं खंड ग। ग जो है आपका पाठ्य पुस्तक स्पर्श पर आधारित है। ठीक है, स्पर्श भाग 2 पर आधारित है। इसमें पहला आपको आएगा काव्य खंड। काव्य खंड में से पूछे जाएंगे पठित पद्यांश। देखो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको 1-1 मार्क के, इसमें दिए जाएंगे पठित पद्यांश। चाहे कबीर से ले लीजिए, चाहे मीरा से ले लीजिए, यहाँ पर पठित पद्यांश आएंगे। और फिर यहाँ पर पठित पद्यांश में से 4 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 4 MCQs पूछे जाएंगे और इसके मार्क्स है 4। फिर आपका आएगा गद्य खंड में से 2 पठित गद्यांश। इसमें कोई चॉइस नहीं है, दोनों भी गद्यांश करने हैं और हर गद्यांश 5 मार्क का रहेगा और इसमें भी आपको पूछे जाएंगे बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि MCQ और दोनों पठित गद्यांशों को मिलाकर आपको मिलेंगे 10 मार्क। तो ऐसे हो गया आपके 14 मार्क्स। तो 10, 16
और 14 पूरे मिलाकर आपको ये हो गया 40 मार्क्स का क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, 40 मार्क्स 40 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, इंटरनल चॉइस दे रहा है बोर्ड, वो दूसरी बात है, ठीक है। फिर हम चलते हैं इंटरनल असेसमेंट की ओर, आंतरिक मूल्यांकन की ओर। आंतरिक मूल्यांकन है आपका 10 मार्क का। इसमें से डिवीजन ऑफ मार्क्स ऐसे दिए गए हैं, देखो, सामयिक आकलन यानी कि पीरियोडिक टेस्ट के आपको मिलेंगे 3 मार्क्स, ये आपके स्कूल से ही मिलने वाले हैं। बहुविधि आकलन, बहुविधि आकलन होता है मल्टीपल मेथड ऑफ असेसमेंट, इसमें जैसे कि आपका प्रोजेक्ट है, एसे राइटिंग है, या मुहावरों पर आधारित कहानी है, या जो भी है आपको जो भी लिखना है उसके मिलेंगे आपको 2 मार्क्स। इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी आपको बहुविधि आकलन का, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर आपका आएगा पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में आपके नोट्स और आपने समय समय पर कौन से काम किए हैं, ये सारा पोर्टफोलियो में जाएगा और इसके भी मिलेंगे आपको 2 मार्क्स। और फिर आएगा श्रवण एवं वाचन, इसके रहेंगे 3 मार्क्स। श्रवण एवं वाचन का भी मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप मुझे फॉलो कीजिएगा। श्रवण एवं वाचन में आपको कबीर की साखियां या मीरा के पद जो भी है आप बोल सकते हैं, या वाचन में भी आप तो कुछ भी आप लेकर इसको कर सकते हैं, ये आपके टीचर पर डिपेंड रहेगा। तो इसका होएगा आपका 3 मार्क्स। तो इस प्रकार आपके 40 प्लस ये वाले इंटरनल असेसमेंट के 10 मार्क्स, इसका हो जाएगा आपका 50 मार्क्स। तो फिर अभी हम पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 सत्र 1 2021 और 22 में निम्नलिखित पाठ सम्मिलित किए गए हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेसन्स क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। गद्य खंड में से आपको है कबीर और मीरा, और पद्य खंड में से आपका हो गया प्रेमचंद द्वारा रचित बड़े भाई साहब, लीलाधर मंडलोई द्वारा रचित ततारा वामीरो कथा, और निदा फाजली द्वारा रचित अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। तो ये था हमारा डिवीजन ऑफ मार्क्स। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और भी आपको कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स डालिएगा। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।